पार्टी, इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जांपल नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन EMF ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, मतलब कि एक कार की बैटरी थी और उस बैटरी का EMF हमें दिया गया है 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी। मतलब कि बैटरी में से मैक्सिमम कितना करंट सप्लाई हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलो एक्चुअली मैं यहाँ पर आप एक ड्राइंग बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए क्या होगा कि सपोज मान लीजिए एक बैटरी थी। अब हमेशा जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे इस तरह से बॉक्स में इंडिकेट किया जाता है और वो नेगेटिव पोल के नज़दीकी होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द कार। अब बच्चों क्या होगा, इस बैटरी का EMF हमें दिया गया है E इज इक्वल टू 12 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया गया है स्मॉल r इज इक्वल टू 0.4 ओम। ये है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और यहाँ से इंड्यूस होगा करंट I जिसे हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो अगर इस सर्किट को मैं देखूं तो बच्चों मुझे यहां पे मिलेगा इंड्यूस करंट। ठीक है, बाय ओहम्स लॉ, आपको याद ही होगा ओहम्स लॉ क्या कहता था। ठीक है, V इज इक्वल टू IR, देन I इज इक्वल टू V/R। R यानी टोटल रेजिस्टेंस। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो रेजिस्टेंस अवेलेबल है, एक स्मॉल R और एक कैपिटल R। ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो होगा EMF E जितना, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं E डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल R। ठीक है बच्चों, तो ये मिल गया मुझे करंट का फॉर्मूला, I इज इक्वल टू EMF E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल R। बट बच्चा पार्टी नोट किया जाए कि हमें यहाँ से फाइंड आउट करना था मैक्सिमम करंट। ठीक है, अब देखिए करंट जो है वो मैक्सिमम कब होगा, तो यहाँ पे जो EMF है वो तो किसी भी बैटरी का कांस्टेंट होता है, एक बार हमने सेट कर दिया उसके बाद EMF चेंज नहीं हो सकता। स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ये भी चेंज नहीं हो सकता, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे जो चेंज हो सके, जो वेरी हो सके, वो एक ही चीज़ बचती है कैपिटल R, इट मीन्स की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बच्चों आप यहाँ पे नोट करिए कि अगर हमें करंट को इंक्रीज करना हो तो इस रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा, और फाइनली हमें जो करंट है वो मैक्सिमम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसे डिक्रीज करते 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 एकदम से निग्लिजिबल कर देंगे, इट मीन्स कि हम जीरो कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, एट दैट टाइम हमें जो करंट मिलेगा वो मैक्सिमम करंट होगा, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे फॉर मैक्सिमम करंट करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अगर हमने कैपिटल R इज इक्वल टू जीरो मिला तो ये हो जाएगा I मैक्सिमम का फॉर्मूला हो गया E बाय R। ठीक है, चले वैल्यू पुट कर देते हैं, E की वैल्यू थी 12 डिवाइड बाय स्मॉल R की वैल्यू थी 0.4। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ 120 करके डिवाइड बाय 4, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और यहाँ पे इसे कट कर दूंगा 3, तो आंसर आ गया 30 एम्पियर। राइट बच्चों, तो ये आ गया हमारा आंसर कि इस सर्किट में से मैक्सिमम करंट सप्लाई हो सकती है 30 एम्पियर। राइट, काफ़ी इजी और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बच्चों, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया है। इन नेक्स्ट क्लास बच्चा पार्टी हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 के साथ। थैंक यू।